छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चंद्रयान पर बोले, इसरो का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, मल्लिकार्जुन खड़गे आज आ सकते हैं जयपुर, सभी पर्यवेक्षक शुरू करेंगे काम। चांद पर इतिहास रचने की ओर भारत बढ़ा रहा कदम, आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ और हवन, आज भी अयोध्या में जाप कर रहे साधु संत, सफल लैंडिंग के लिए मांगी दुआ। सुप्रीम कोर्ट आजम खां के हेट स्पीच मामले में सुनवाई करने को तैयार, आज होगी मामले की सुनवाई। 2007 में आजम खां ने दिया था भड़काऊ भाषण। नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव आज करेंगे VC एलिवेटेड कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होगी चर्चा। 28 अगस्त को नहीं निकलेगी व्हीप की ब्रिजमंडल यात्रा, नूह प्रशासन से नहीं मिली परमिशन। तमिलनाडु के मछुआरों पर पड़ रहे श्रीलंकाई नागरिकों के हमले, सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। मिशन 2024 पर मायावती, BSP प्रमुख ने आज लखनऊ में बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव में UP की स्थिति पर होगी चर्चा। हिमाचल में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर, टूटा पुल, राज्य के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, शीर्ष अदालत इमरान खान के तोशाखाना मामले की सुनवाई आज करेगी। भारतीय मूल के व्यक्ति पर लगा नागरिकों की हत्या का आरोप, तो हो सकती है मौत की सजा। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में TTP आतंकवादियों ने सुरक्षा काफिले पर किया हमला, 6 सैनिकों की हुई मौत। पाकिस्तान के केबल कार से यात्रा करते वक्त 1200 फीट पर 6 बच्चे समेत 8 लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सचिव को किया बर्खास्त, बिल को लेकर छिड़ा विवाद। जलवायु परिवर्तन के बावजूद G20 से जीवाश्म ईंधन के लिए 116 लाख करोड़ रुपए आवंटित पर भारत दिखा रहा सख्ती। GST के कारण राजस्व को हो रहा नुकसान, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय की टिप्पणी। सरकार ने 2410 की दर से शुरू की खरीद, केंद्रीय मंत्री बोले 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेंगे। 4000 करोड़ के घोटाले में GTIL बैंक अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज, CBI ने की छापेमारी। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 79 ट्रेनें रद्द रहेंगी, कई गाड़ियों का बदला गया है रूट।